तो दोस्तों ये भगवान शिव शंकर का शिवलिंग जो कि पेड़ के नीचे से निकला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर में पेड़ है, सामने घंटी, और आप लोग देख सकते हो। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों यह श्री गंगा कुंड, इसके अंदर में बहुत सारा कछुआ है जिसे भगवान का रूप माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर नंदी महाराज विराजमान है, आप लोग देख सकते हैं। तो नमस्कार, जय जवाहर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज आरंग का पंचमुखी महादेव जी का मंदिर का दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहो और वीडियो का आनंद लो। तो चलो चलते हैं अब मंदिर की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आरंग पहुँचने ही वाले हैं, और ये जो रोड दिख रहा है वो है खरोरा से आरंग वाला रोड है। और दोस्तों आरंग से ठीक पहले लेफ्ट साइड में भगवान शिव शंकर का मंदिर है, जिसका हम आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों अब हम कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। जो आपको रास्ता दिख रहा है, देख सकते हो, जो सामने में मंदिर दिख रहा है वही ही शिव जी का मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ से हमें लेफ्ट की ओर कटना है। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं, और गाड़ी को साइड लगाते हैं और सबसे पहले आसपास के चारों ओर को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है श्री गंगा कुंड। यहाँ पर तो बहुत सारा कछुआ है जिसे भगवान का रूप माना जाता है, और माना गया है और माना जाएगा भी। तो दोस्तों हम आपको थोड़ा सा अंदर चलकर दिखाते हैं। और दोस्तों ये वीडियो बन रहा है वो करीबन अभी तो बरसात चल रहा है, लेकिन एक महीने पहले का है। मैं पहले से ही वीडियो बना चुका था, लेकिन कुछ कारणों से अपलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, अभी तो बरसात में बहुत सारा पानी भर गया है इसमें। तो दोस्तों आप सबको मैं आगे ले चलता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको भगवान शिव शंकर के दर्शन कराने के लिए आगे ले चलता हूँ, जो कि ये दोस्तों पंचमुखी महादेव के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों सामने एक बड़ा सा पेड़ है, देख सकते हो आप लोग। और दोस्तों ये जो मूर्ति देख रही है, आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किसकी मूर्ति है। तो दोस्तों ये श्री फिरंतराम लोधी जी का मूर्ति है। दोस्तों जब भगवान शिव शंकर का पेड़ के नीचे शिवलिंग के रूप में उत्पत्ति हुई, तो दोस्तों फिरंतराम लोधी जी ने उस पेड़ के तनों को काट कर शिवलिंग को वहाँ विराजमान किया। तो दोस्तों ये है फिरंता जी लोधी का कहानी। दोस्तों आपने कुछ समय पहले नंदी महाराज को देखा, और आपको मैं शिवलिंग की तरफ ले चलता हूँ, जो कि पेड़ के नीचे बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर भी नंदी महाराज है, यहाँ हवन होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये है शिवलिंग कुछ इस प्रकार से है। और जो ये पेड़ दिख रहा है ऊपर जो है वो पेड़ है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि भगवान शिव शंकर का शिवलिंग पेड़ के नीचे विराजमान है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत दूर दूर से यहां लोग दर्शालु लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और बोला जाता है कि यहां कुछ भी मनोकामना लेकर आते हैं तो उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है करके। तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पूरा आसपास का एरिया को कवर कर देता हूं मैं। ये कुछ इस प्रकार से है, सामने में नंदी महाराज है। और दोस्तों मैं आप लोगों को पीछे की तरफ ले चलता हूं। पीछे का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, सामने देख सकते हो आप लोग सड़क है, और देख सकते हो यहां घंटी है जिसको भाई ने थोड़ा सा हिला दिया, उसकी वजह से घूम रहा है। और यहाँ शनि देव का मूर्ति विराजमान है। जय शनि देव महाराज। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, और आप लोग देख सकते हो ये जो है पीपल का वृक्ष है, कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हो बहुत बड़ा है ये वृक्ष। और दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा गोल राउंड घुमा दिया हूँ, और कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों मेरा बहुत दिन से मन था कि भगवान शिव शंकर की शिवलिंग का दर्शन कराऊँ, लेकिन फाइनली आज मुझे भगवान शिव शंकर जी का दर्शन हो गया। और कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, यहाँ आप लोग आ सकते हो घूमने के लिए। और दोस्तों आरंग का पंचमुखी
महादेव जी का मंदिर कौन कौन आया है और आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो अब के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोलेनाथ।